चाहे जिस जाति का है, उनको पक्का का मकान बनवाने के लिए हम दृढ़ संकल्प हैं और रोड कंप्लीट करने के लिए दृढ़ संकल्प। मेरा नाम सुमित कुमार और आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। देखिए, बिहार आम पंचायती चुनाव 2021 अवसर पर है, ऐसे में जो मुखिया कैंडिडेट हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और इसी कड़ी में आज हमारी मौजूदगी अलौली प्रखंड के खैड़ी खुठा ग्राम में है, जहां वर्तमान मुखिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, चंद्रशेखर सिंह जी हैं। आइए उनसे सीधे जुड़ते हैं और जानते हैं किन मुद्दों को लेकर वो जनसंपर्क अभियान इस बार चला रहे हैं। आइए बोलते हैं। धन्यवाद। किन मुद्दों को लेकर इस बार जनता के बीच आ रहे हैं, क्या लगता है? मुद्दा तो है कि शिक्षा का मुद्दा, पलायन का मुद्दा, कटाव का मुद्दा, घर विहीन को देखिए घर नहीं बना है वो मुद्दा है, और बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिसको सॉल्व करने का हम प्रयास करेंगे और पलायन के लिए बारे में और आगे। मुखिया जी, लगातार आप अपने क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, क्या लगता है इस बार कितना क्या मोमेंट? जनसंपर्क चला रहे हैं, जनता जो कार्य किए हैं वो देख रही है, हमारा जो भी कार्य है धरातल पर उतरा हुआ है, लेकिन फ्लड लेकर के जहाँ तहाँ सड़क में भी थोड़ा डैमेज कर गया है उसको भी ठीक कर लिया जाएगा और जनता मेरे साथ में है फिलहाल। आपके क्षेत्र में बाढ़ की भी समस्या बनी रहती है लगातार, तो उस दिशा में कितने क्या कुछ कदम उठाए गए आपके द्वारा? बाढ़ की समस्या के लिए तो वास्तव में है, ये सब घर में जो देख रहे हैं इधर कैमरा घुमा कर देखिए, इसमें पूरा फ्लड था, पूरा पानी था, इसका पूरा पानी था, घर विहीन हो गया, सब स्कूल में शरण लिए हुए था, ये मध्य विद्यालय में। अच्छा, तो उन लोगों के लिए जीआर की राशि, फूड पैकेट वगैरह का जो व्यवस्था हुआ सरकार का जो है सो दे रहे हैं, और इनके पुनर्वास के लिए और अन्य चीज़ के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि पुनर्वास हो जाए। मुखिया जी, सरकार की जो सारी योजना है उनको धरातल पर लाने के लिए कितना क्या कुछ कदम उठा गया है पिछले 5 सालों में आपके द्वारा? पिछले 5 सालों में मैंने हर जगह सड़क से जोड़ने का प्रयास किया, क्योंकि इस साइड में सोनमन की घाट के उधर से आदमी टपना नहीं चाहते थे, बीमारी लेकर के जाने आने में भी काफ़ी असुविधा होती थी, यातायात की काफ़ी असुविधा होती थी, सड़क मार्ग एवं गली नाली योजना को पूर्ण रूप से चालू करने का प्रयास किए हैं और जो बाकी काम होगा उसको भी करेंगे, साथ ही अन्य योजनाओं के बारे में भी, जैसे कटाव के लिए है, अभी कटाव की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, कटाव की समस्या आपके क्षेत्र में लगातार बनी रहती है, बराबर बनी रहती है, इस दिशा में क्या कार्य किया? एक कटाव की समस्या के लिए हम लोग सोचते हैं कि तटबंध हो जाए पत्थर से, अगर पत्थर से तटबंध होता है तो कटाव की समस्या दूर हो सकती है। इस दिशा में आपने किन्हीं से बात की है? इस दिशा में हमने जिला पदाधिकारी जो महोदय को ला कर के भी दिखाए हैं, हर जगह वहाँ पर भी दिखाए हैं, और अब महनपुर में भी ले गए थे, दासिन टोल ले गए थे, हर जगह लेके गए हैं, आगे की प्रक्रिया जो होगी चुनाव जीतने के बाद में हम पूरा प्रयास करेंगे कि कटाव से हम लोग कम से कम बच जाएं। मुखिया जी, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में, क्या लगता है कि पलायन भी एक उसमें से समस्या है, लोग हर साल यहां से पलायन कर जाते हैं, काम को लेकर बाहर जाते हैं, उस दिशा में आगे आप क्या कुछ कदम उठाएं और क्या कुछ कदम उठाएंगे? पलायन होता है तो उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि मनरेगा का कार्य और कौशल विकास का कार्य, कुशल आदमी जो होते हैं उनके कौशल विकास के लिए हम लोग को ट्रेनिंग का जगह नहीं है, प्रखंड की दूरी बहुत अधिक पड़ती है, 27 किलोमीटर की दूरी पास करने के बाद हम लोग प्रखंड में जाते हैं, यहाँ से अगर किन्हीं आदमी को भेजते हैं कौशल विकास की ट्रेनिंग के लिए, प्रशिक्षण के लिए, तो एक बार जाने के बाद में दूसरा बार वो हिम्मत नहीं करता है कि वहाँ पर ब्लॉक में जा कर, दूर है यहाँ से, काफ़ी दूर है, सब आदमी जानते हैं, इस सोनमन की पुल हो करके अभी रैक पॉइंट जो खगड़िया है वैसे होते हुए मथुरापुर ढाला होते हुए तब हम लोग पहुँचते हैं, तो इसलिए यहाँ की जनता को प्रखंड से विशेष लाभ नहीं मिल रहा है यहाँ पर, इसलिए पलायन की समस्या है बनी रहती और है। बनी जाती है। मुखिया जी, पलायन को कम करने के लिए क्या कुछ आगे आपका क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे, क्या लगता है? पलायन को कम करने के लिए तो मात्र कौशल विकास ही एक बड़ी समस्या है, और साथ ही साथ मनरेगा का कार्यक्रम अभी 5 किलोमीटर का हम रखे हुए हैं, उसमें काम करते करते अंदाज है
कि बहुत कार्य होगा। जी लगता नहीं कि लोगों को रोजगार देने के लिए मतलब यहीं पे लघु उद्योग वगैरह को लेकर सराहना? हाँ, लघु उद्योग के लिए वही तो प्रशिक्षित नहीं है, प्रशिक्षित नहीं है, प्रशिक्षित नहीं है। जैसे कि बनाने के लिए हर जगह देखते हैं जो नज़दीक में है, अपना कोई ना कोई कार्य कर लेते हैं, लेकिन हम लोगों को बहुत दूर पड़ता है, वो प्रशिक्षित हो नहीं पाते हैं। राज मिस्त्री की बात, वो भी प्रशिक्षण लेकर के आए, 40-50 राज मिस्त्री को दिए हुए थे, वो भी कार्य वहाँ पर ट्रेनिंग लेकर के आए हैं गांव में, वो बनाते हैं गुणवत्तापूर्ण मकान बनाते हैं। एक बात बताइए मुखिया जी, कोरोना का जो समय था, विपरीत काल था, उस समय लोगों की कितनी मदद कर पाए आप, क्या लगता है? हाँ, कोरोना का भी एक बड़ी समस्या मेरे पंचायत में आई। कोरोना का तो पूरा देश में, हाँ पूरा देश में भी था, लेकिन यहाँ एक दो लोग कोरोना से ग्रसित होकर जो बाहरे थे, मेरे पंचायत में इन्फेक्शन नहीं फैला, लेकिन उसके लिए हम जनसंपर्क किए, डॉक्टर से जांच करवाए, जो बाहर से आते थे, मेरा गांव का आदमी सब दिख रहा है, डॉक्टर को लेकर के जाते थे, जो प्रवासी मजदूर आते थे उन लोगों को जांच करवाते थे, और जांच करवा करके अपना 10-15 दिन अलग ही रहने की व्यवस्था किए हुए थे। अपने स्कूल में मध्य विद्यालय में करीब करीब 400 प्रवासी मजदूर यहाँ पर रखे हुए थे, और सुनमन की मध्य विद्यालय में दोनों मिलाकर 450 था प्रवासी मजदूर। उनकी सुख सुविधाओं के लिए लगातार सेवा में थे? हाँ, उनकी सुख सुविधा के लिए हम कोई तरह का कंप्लेन नहीं हुआ, सब जय जयकार करते हुए गए यहाँ से, जितने भी मजदूर थे सब। ये बहुत ही अच्छी बात है। और ये बताइए कि इस क्षेत्र में और भी कुछ काम अभी अधूरे रह गए हैं, अगर आपको जनता इस बार वोट करती है तो उसको किस तरह से पूरा करें? देखिए, कार्य अधूरा है, अभी घर विहीन को घर देना है हमको, चाहे गरीब मजदूर परिवार जो हैं, चाहे जिस जाति का है, उनको पक्का का मकान बनवाने के लिए हम दृढ़ संकल्प हैं, और रोड कंप्लीट करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हम भरसक हमेशा प्रयास करते हैं, हर स्कूल में हर जगह जा कर के विद्यार्थी से बात करते हैं, टीचर से बात करते हैं, अभिभावक से बात करते हैं। 17 स्कूल है मेरे पंचायत में, और 17 स्कूल में हम जा करके हर विद्यालय में मतलब शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए प्रयास करते हैं। मुखिया जी, एक मामला था, आप बोल रहे थे जिस तरह से मृतकों के परिजनों को कोविड अंत्येष्टि के तहत कुछ मुआवजा दिया जाता है, तो उसको क्या कुछ लेकर अपील था सरकार से? देखिए, सरकार से मेरा अपील है कि जिस तरह पहले रख देते थे वैसा मुखिया निकाल करके देना चाहिए, और अभी भी 10 दिन के अंदर में 3 आदमी डेथ किया है, आज सबको कुछ न कुछ दे करके अभी भी आए हैं वहीं से, अभी नेपालतल वार्ड नंबर 13 में एक डेथ कर गई। अच्छा। लेकिन अब सरकार का है कि मृत्यु प्रमाण पत्र बना के दीजिए, तो बीपीएल में है कि नहीं है, खैर बीपीएल में वाले को ही देना चाहिए, हाँ दिया जा रहा है, लेकिन मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए उनको 13 डिबिया तेल जलता है। अभी तो शोक संतप्त परिवार है, उस समय कैसे मुआवजे की जरूरत है? अभी मुआवजे की जरूरत है, मुखिया जी निकाल करके उनको कभी अंत्येष्टि के तहत उनको दे देते हैं। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो ये थे वर्तमान मुखिया थे खैरी खुठा पंचायत से इस बार चंद्रशेखर सिंह जी, और इस बार अभी भी जनसंपर्क अभियान लगातार चला रहे हैं। अब देखिए जनता का इनको कितना इस बार अपार समर्थन मिलता है और प्यार देखने को मिलता है। बहरहाल ये तो जनता को ही तय करना है कि वो किसके सर पर सिरोतार रखती है। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही।